वंश परंपरा जब हम लोग देखते हैं, इसको दो तरीके से देखा जाता है, या हम लोग तीन बोल सकते हैं। कहते हैं कि मनुष्य अमर होना चाहता है। योग शास्त्र में कहा जाता है अभिनिवेश, हर प्राणी, जो भी प्राणी है वह मरना नहीं चाहता है, वह चाहता है कि मैं जीवित रहूं। और जब जानता है कि मृत्यु अवश्यम भावी है, वह चाहता है कि मैं अपने शरीर को इस तरह से फैला दूं मेरी मृत्यु नहीं हो, और इसीलिए वह चाहते हैं कि उनकी वंश परंपरा बनी रहे। जो सन्यासी गण हैं वे भी अमर होना चाहते हैं, लेकिन आत्मज्ञान के माध्यम से, यानी मैं अमर हूं, मेरा मैं अमर हो जाऊं, यह भाव सब में है। हिंदी में गाली देते हैं जब किसी को बोलते हैं ना, धमकी देते हैं, मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा, क्योंकि व्यक्ति चाहता है कि मेरा नामो निशान हमेशा बना रहे। त्यागी पुरुष आत्मज्ञान के माध्यम से, और जो त्यागी नहीं है संसार में है वे पुत्र प्राप्ति के माध्यम से अपने को जिंदा रखना चाहते हैं। इसको अगर बायोलॉजी की दृष्टि से देखें, जेनेटिकली बोलते हैं कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जो जीन है वह फैलता चला जाए, उसका जीन बचा रहे। लेकिन हिंदू धर्म के माध्यम से, ये इन दोनों में से कोई भी सत्य नहीं है, उसमें है क्या कि हिंदू धर्म परंपरा में व्यक्ति जब मरता है उसकी जीवात्मा निकल जाती है पितृलोक स्वर्गलोक आदि में, और लोगों का विश्वास है कि जब तक उन्हें पिंडोदक क्रिया, श्राद्धादि कर्म, पिंड आदि का दान किया जाता है, वे तृप्त रहते हैं। अब सच में वे तृप्त रहते हैं नहीं रहते हैं तो हम लोगों को नहीं पता है, शास्त्र में ऐसा कहा गया है, और इन बातों में शास्त्र छोड़ के कोई दूसरा उपाय नहीं है जिससे कि हम लोग जान सके यह सच है या नहीं।